हेलो माय डियर फैमिली, सत श्री अकाल। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक हो। ते अज असी गुन्नांगे आटा। आटा गुन्ना बहुत ज़्यादा सौखा है, पर कई बार बहुत ज़्यादा औखा है जो आपां नूं नहीं पता लगता कि किस तरह गुन्नी आटा। और ये बहुत क्विकली आपां कर सकते हैं जे सानूं एक ट्रिक जिहा इहदे विच पता होए, ठीक है ना। सो आपां एक्चुअल दे विच करना की आ, जिहड़ा आपां थोड़ा थोड़ा पानी पाउणा, एकदम बहुत सारा पानी नहीं पा देना, ठीक है ना। जे तुहाडी फैमिली दे विच दो जां तीन जां चार ही फैमिली मैंबर ने, तुसीं अराउंड जिस तरह दी अपने घर बेसिकली जिहां कौलियां हुंदियां ने, तुसीं तीन कौलियां आटे दीआं लै लो। ते पानी जिहड़ा उह मिन मिन के पाउण दी जरूरत नहीं, बस तुसीं थोड़ा थोड़ा पाई जाणा पानी, ते अपने आटे नूं जिहड़ा आ उस तरह थोड़ा जिहा सॉफ्ट करी जाणा, जिस तरह मैं कर रही हां हुण, ठीक है ना। थोड़ा मिक्स करी जाणा उहनूं आटे नूं। पर इह जिहड़ा आटा आ इहनूं ना आपां बहुत ज़्यादा वैट वैट जहाँ नहीं रहन देना, और बहुत इनू मसल दे हुए हार्ड हार्ड नहीं कर देना। मतलब इनू आप थोड़ा सॉफ्ट रखना है कि जड़ा मतलब ड्राई जहा लगे सानू साढ़े हाथ नू आउटर साइड, बट स्टिल बड़ा मसल मसल के वेरी हार्ड नहीं कर लेना, और ना ही बड़ा लूज जहा रहन देना। इस करके आप थोड़ा पानी पावांगे तो अपना जो आटा वो परफेक्टली बनेगा रोटी वास्ते। मतलब जो आटा वधिया बनेगा फिर ही साड़ी रोटी वधिया बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सो हुण इस तरह करते करते आप अपना जो आटा है उन्हू इस तरह इकट्ठा करी जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी पा के। जदों हुण असी अपने सारे ऑलमोस्ट आटे नू इस तरह करके हौली हौली थोड़ा थोड़ा पानी पा के ते एक डो वर्गा बना लेना आ, उदों असी इनू गुनना शुरू कर देना। पर गुनन वास्ते हुण असी इहदे विच पानी नहीं पाउणा, अपने सिर्फ उंगलां नू पानी लाउणा आ, ते असी इनू मतलब कि गुनना आ। और इहदी फिर आपां इहदी परफेक्ट जिहड़ी डो आ उह इस तरह तैयार कर लैणी आ। सिर्फ अपने हाथ नू पानी लाउणा आ, ना कि इहदे उपर हुण आपां पानी नहीं पाउणा, सिर्फ अपने फिंगरस नू थोड़ा गिला करना आ। ते जां फिर जिहड़ा परात दे विच आटा लग्गा आ उहनू उतारन वास्ते जे सानूं जरूरत आ पानी पाउण दी फिर पाउणा आ, अदरवाइज़ आपां इह नहीं कि भी पानी उत्थे जरूरी पाउणा आ। जे नहीं जरूरत हैगी फिर आपां उत्थे भी आपां हल्का जिहा पानी ही लाउणा आ, ठीक है। तो इस तरह आपां बस इहनू गुंदे जाणा आ, और सानूं हौली हौली अपने आप ही दी स्मूदनैस जी जिहड़ी आ उह पता लगन लग पैणी आ कि भी हुण साडा आटा बन गया आ। और इहनू बस दैट्स ऑल, इट्स नॉट रियली बिग डील। तो मेरा एक्चुअल दे विच आ कुकिंग दियां जिहड़ियां वीडियोज़ आ इह बनाउण दा रीज़न इह आ कि भी मैं इहनां नूं सेव करदी पई आं अपने वास्ते भी लेटर ऑन, जिद्दां मतलब अपने कोल होण इह वीडियोज़ जिहड़ियां गांह अपने बच्चे ने जां कुछ भी ने अपने गांह वाली जनरेशन आ, है ना, वो अपने जिहड़ा अपने घर दा फ्लेवर आ जां अपने घर चीज़ां किस तरह बनदियां ने वो प्रॉपरली वह वेख सकन, है ना। इह भी इक मेरा रीज़न आ बनाउण दा। और अनदर वन इज़ दैट कि मैं शेयर करती पई हाँ अपनी, जिदा कि मैनू लगता जिदा मैं हौली हौली सीखा आ, तो दैट्स इट। सो इस तरह करके आपां बस गुन्नी जाना आ, और साडा आटा आ वह तैयार हो जाना आ, कोई बड़ी डील नहीं हैगी। सो या आपां बस अपनी परात साफ करते जाना नालों नाल, तो अपने आटे नू उंगलां नू पानी ला के गुंदे जाना आ। और इहदे विच कोई भी उगलटनियां जिहड़ियां उह रहिणियां ही नहीं गियां, क्योंकि आपां स्टार्टिंग दे विच इहनूं बहुत हार्ड नहीं कीता, ना ही बहुत वैट जिहा कर दिता। सो उह प्रॉब्लम तो रहिणी ही नहीं आ, और गुन्नण दे नाल बिल्कुल ही फिनिश आ। सो साइडां तो बिल्कुल नहीं पाटना चाहिए, जिदा हुण एट द पॉइंट ऑफ पाटदा जे पिया आ, यही चीज़ां नहीं होनी चाहिए जिहड़ियां साडियां दादियां सी जां साडियां जिहड़ियां मदर्स ने साडियां मावां, उह यही चीज़ ते ज़्यादा जोर दिंदे ने कि भी बड़े सफाई जिहदे नाल काम होए, है ना। सो या सो मैं यही करन दी ट्राई करदी पई हाँ। सो चलो जी हुण तुसीं इहनूं देख लो, इदां ही आपां बनाउणा है बस। सो ये ऑलमोस्ट तैयार आ, हुण साडा आटा तैयार हो गया है। असीं इहनूं डोंगे च पा के कवर करके क्लिंग रैप दे नाल ते फ्रिज विच रख लांगे, और 10-15 मिनट बाद असीं रोटियां लावांगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सैल्फ एंड योर फैमिली। बाय।